सो वेलकम टू माई चैनल नेचुरल ब्यूटी। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेफी सिक्योर एक्सेल पैड्स का रिव्यू। तो सबसे पहली चीज़, तो मैंने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी जाके नेचुरल ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए कमेंट में बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसी चीज़ का वीडियो लाने की। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्टेफी सिक्योर एक्सेल पैड्स का। तो मेरे पास यहाँ पे स्मॉल पैक भी है और बिग पैक भी है, बस फ़र्क इतना ही है कि इसमें थोड़े कम पैड्स आते हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा पैड्स आते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको दिखा देती हूँ। इसकी MRP 110 और इसमें आपको मिल जाते हैं 20 पैड्स, एंड इसकी MRP है 35 और इसमें आपको मिल जाते हैं 6 पैड्स। तो वैसे तो ये ज़्यादा आपको, अगर सस्ते की बात करें तो ये ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि इसके हिसाब से अगर आप लोगे तो ये छोटे पैकेट आपको थोड़े महंगे पड़ जाते हैं और ये थोड़ा आपको सस्ता पड़ता है। तो बेटर है आप ये वाला बाय करें तो ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और ये एक्सेल पैड्स है, एक्स्ट्रा लार्ज है, अप टू 12 आवर प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन 12 आवर तक किसी भी पैड को यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। आपको 6 आवर्स के अंदर अंदर चेंज कर लेना चाहिए, 4 to 6 आवर्स। अब इसका कॉटन ही सॉफ्ट कवर है, आप देख सकते हैं, और विंग्स तो रहते हैं हर पैड में, तो इसमें भी विंग्स हैं। और ओडर कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये दिखता कैसा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके के कुछ पैड्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस तरीके के पैड्स आते हैं। सिंपली बस इसको आपको पीछे का स्टिकर निकालना है, अनस्टिक करना है, विंग्स का भी स्टिकर निकालना है, स्टिक करना है, जैसे नॉर्मली हम पैड को यूज़ करते हैं, बस वैसे ही ये भी पैड्स हैं। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको 20 पैड्स मिलते हैं, 274 mm है। तो मैं इसके पहले मैंने सोफी पैड्स का भी रिव्यू किया था एंड उसकी लेंथ थी 290 mm, यानी ये उससे कम लंबे होते हैं, ये उससे लगभग 16 mm यानी 1.6 cm कम लंबे होते हैं, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। पर ये भी बहुत अच्छा पैड है, ये भी ट्राई कर सकते हो। अब इसकी फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा एक फिट देता है एंड ये आपको एक बेटर फील देता है, बहुत सॉफ्ट है, बेटर फील देता है। विंग्स हैं और जो पैड को एक जगह पे रखते हैं और मूव नहीं कराते ज़्यादा जगह, ये सीधा फिट रहता है जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। फिर यहाँ पे ओडर कंट्रोल सिस्टम भी है, यानी ज़्यादा स्मेल नहीं आएगी, ओडर नहीं होगा। सॉफ्ट कवर है, तो इसका सबसे पहली चीज़ तो इस पैंट के जो कवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, यानी बहुत कम्फर्टेबल कवर है इसका, बहुत ज़्यादा मतलब ईचिंग नहीं देगा, रैशेज नहीं देगा। पर ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप देख सकते हैं। देन सुपर एब्जॉर्ब डिज़ाइन है इसकी, यानी क्लोज रहता है आपकी बॉडी से, एंड स्पेशली आप मिडल में जो है ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सबसे अच्छी चीज़ जो पैड्स के बारे में मुझे लगती है वो ये कि 100% लगभग कॉटन के ही बने होते हैं, एंड जब आप इसको यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कॉटन है। इसमें ज़्यादा जेल टेक्नोलॉजी नहीं है, जो हमारे स्किन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जिन पैड्स में ज़्यादा जेल टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे स्किन के लिए ज़्यादा अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, एंड उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब हम इसके बारे में, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर एड्रेस एंड समथिंग दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे कुछ टोल फ्री नंबर एंड समथिंग दिया हुआ है। और आप इसको, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके 36 मंथ्स के बाद तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नॉर्मली दिया है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे डिस्पोज करना है, एंड इसको फ्लश नहीं करना है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है तो शायद ही आपको विजिबल हो, तो इसको फ्लश नहीं करना है। एंड इस जो बड़ा वाला पैकेट है इसमें भी यही डिटेल्स हैं। जो स्मॉल पैक है इसका थोड़ा सा जो प्रिंटिंग है ये से थोड़ा अलग है, मतलब इसका जो फ्रंट प्रिंटिंग है और इसका जो फर्स्ट प्रिंटिंग है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। बाकी ये भी पूरा सेम है, जो डिटेल्स इसके बैक में हमने पढ़ी थी वही डिटेल है, बस इसमें जो है 20 पैड्स हैं, इसमें 6 पैड्स हैं, यही डिफरेंस है। एंड MRP का डिफरेंस है, एंड यहाँ पे कुछ अलग से कुछ खास डिटेल नहीं दी गई, यानी जो डिटेल इसमें है वही आपको इसमें दिखेगी। एंड आपको यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, आप देख सकते हो, अवेलेबल इन सॉफ्ट कॉटन एंड ड्राई कवर, यानी इसका जो कवर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ड्राई है, एंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अप टू 12 आवर्स। तो उसमें भी था कि 12 आवर्स तक ये आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा।
एंड स्टेफ्री सिक्योर एक्स्ट्रा लार्ज विंग्स। तो सबसे पहली चीज़ तो इसका नाइट पैड्स भी आते हैं, अगर आपको रात के समय के लिए स्पेशल पैड्स चाहिए तो वो भी आते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि जो ये नॉर्मल ये वाले जो पैड आते हैं दिन के लिए वो 274 mm के होते हैं, और जो नाइट के लिए पैड्स आते हैं वो 315 mm के होते हैं। नाइट के पैड्स जो होते हैं वो इससे थोड़े और लॉन्ग होते हैं, जो आपको नाइट के लिए बेटर प्रोटेक्शन देते हैं, और इससे थोड़े और कॉस्टली होते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड वो भी न्यू लॉन्च हुए हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू, और अगर आपको पैड दोनों दिखने में अंदर से सेम ही है, एंड अगर आपको वीडियो अगेन पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, और कमेंट में बताना कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए कीप स्माइलिंग एंड वॉच द वीडियोज़। थैंक यू।